बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज रशीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल रियाज रशीद डेली लाइफ। तो आज सुबह का टाइम है, लाइट चली गई है। जैसा कि पीर वाले दिन जाती है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइट जाती है, कभी 2 बजे आती है, कभी 2:30 बजे आती है। तो आज भी लाइट चली गई है, तो मैं उठा हुआ हूँ सोकर। तो अभी सबसे पहले करेंगे नाश्ता, नाश्ता करने के बाद जाना मार्केट, मार्केट आने के जाने के बाद वापसी बाल कटवाएंगे। और आज मेरा फैज़ भाई का प्रोग्राम है गुजरांवाले जाने का, गुजरांवाला जाएंगे मैं और फैज़ भाई शाम को। तो जाने से पहले सारी तैयारी करेंगे, चप्पल लानी है वो लाएंगे, जूता जो मैंने पहन के जाना है, बाल कटवाने हैं, शेव वगैरह वैसे तकरीबन ठीक है लेकिन करवानी पड़ेगी। शेव नहीं करवाऊँगा, मशीन जो मेरे पास है वो लगाऊँगा। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ते में है जी हमारे पास दही, एक रोटी मैंने पकवाई है, उस पर घी लगाया है, वो चीनी है जो मैंने इसमें डाल ली है, पानी ये पड़ा है। सबसे पहले करते हैं नाश्ता, नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं पहले किस तरफ जाना, बाल कटवाने हैं या मार्केट जाना है। मैं आया था जी अपने चूज़े देखने के लिए। आकाश भाई ने इनको छोड़कर दाना वगैरह डाल दिया, बाजरा डाला हुआ है और उसके अलावा मेरे कुछ भी नहीं है, ने चावल डाले हुए ऊपर सीढ़ी पे। तो इनको पहले देखते हैं, ये भी छोटे हैं, जब इस साइज़ के तो इतना का तो शायद ये ना निकालें, लेकिन थोड़े से और बड़े होंगे तो इनको भी आज़ाद कर देंगे। इससे बड़े चूज़े थे जो बिल्ली एक को मार गई थी और एक को खा गई थी, वो जो वो भी वाइट और ब्लैक था, वाइट जो वो खा ले गई थी और ब्लैक को मार गई थी। बाल मैंने कटवा लिए हैं और मशीन मैंने वहाँ से लगवा ली थी, क्योंकि घर वाली जो मशीन है लाइट गई हुई है तो वो उसकी बैटरी चार्ज करने वाली थी, तो मशीन भी मैंने वहाँ से लगवा ली। लेकिन उसने इन मौकों का भी हल बता दिया, उनके पास दवाई पड़ी है उनकी दूसरी शॉप पर, वो कहते हैं जाकर लगवाएं एक दफ़ा, वहीं ये बैठ जाएंगे, सड़ जाएंगे जी। दवाई भी मैंने लगा ली है, ये देखें। तो अब अल्लाह करे कि इससे जो है ये मौके ख़त्म हो जाएँ। एक ये शॉप है इनकी और एक वो शॉप है जहाँ से मैंने बाल कटवाए थे, वो गली में है, ये बाज़ार में है, बाहर मानी के पास। अभी चलते हैं मार्केट में आ चुका हूँ मानी भाई की शॉप पर। और ये मौके देखे, ये जो दवाई लगाई थी इस पर ये वाइट हो गई है और जलन भी हो रही है इस पर, उम्मीद है कि ये ख़त्म कर देगी इसको। खालिद भाई भी आए हैं, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो में आए हैं, तो चाय पी रहे थे, मैंने पी के रख लिया कप। अब भाई साहब खा रहे हैं खाना, तो मैं जिस काम आया था मैंने चप्पल ले ली थी और मानी भाई थोड़ा सा काम था, चप्पल मैं ले लूँगा मैं ले सके, वो खाद भाई मेरे साथ जाना है, जो 8 बजे फ्लावर है वो लेंगे। घर में पहुँच चुका हूँ, अभी जान और अरम की मामा वो गए हुए हैं महफल में गली के पास ही, तो खाद भाई को फूल दे दिए। फूल देने के बाद अब मैं जा रहा हूँ चप्पल लेने के लिए, सबसे पहले चप्पल लाएंगे, चप्पल लाने के बाद फिर नहाते हैं, नहा कर फिर चलते हैं मैं और फैज़ भाई गुजरांवाला। आज हमारा टूर है गुजरांवाला और ये जो दवाई लगाई थी ये मैंने लगी रहनी थी, ये नहाऊंगा तो फिर उतर जाएगी खुद ही, लेकिन अल्लाह करे इससे ये ख़त्म हो जाए। यही दुकान पे मैं आ गया हूँ चप्पल लेने के लिए, अब यहाँ सिर्फ चप्पल देखनी है अच्छी सी, जो भी अच्छी लगेगी। यार वो लाग उतार के दिखाना है, ब्लैक वाली हाँ, कारगल सॉफ्ट।
बड़ी है ऐ छोटा छोटी साइज का खाना यार ये छोटा है इसके साथ नंबर आ गया हां नंबर सात नंबर दे नंबर अ छह नंबर सात नंबर दे दे कितने दी की है मुझे ये लग रहा है कि मेरा साइज नहीं मिलेगा यहां से वो वाला उसके बाद में नहीं ना क्योंकि उसमें नहीं मिल रहा वो है छह नंबर और आठ नंबर मुझे चाहिए सात नंबर कोई और देखते हैं घर आ चुका हूँ अब नहाने के बाद ये सबसे पहले नहाते हैं नहाने के बाद फिर तैयारी तैयार है फिर बस जाना ही है ले जी लड़का हो चुका बिल्कुल रेडी तो अभी बस अम्मी जान का इंतज़ार है टाइम हो गया है जी 4:25 तो अम्मी जान का इंतज़ार है वो आती हैं तो उनको मिलकर फिर चलते हैं मैं और फिर गुजरा वाला बिल्कुल तैयारी है सिर्फ उन्हीं का इंतज़ार है ये पास ही गए हैं तो या तो किसी बच्चे को भेजते हैं उनको बुला लेते हैं काफ़ी देर से गए हैं वैसे अभी तक उनको आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आए तो किसी बच्चे को भेजेंगे किसी बच्चे को भेजकर उनको बुलाते हैं बस देख सफ़र जी हमने शुरू कर लिया रात के 6 बज गए हैं अभी हम निकले हैं डबल सड़कों से टाइम हो चुका है रात का 8:30 का तो चलते हैं घर को घर में पहुंच चुके हैं अभी भी घर फिल्टर हुए रास्ते में से हमने सिर्फ ये केले लिए हैं और सीधा घर को आ गए हैं हम आए हैं जवाहर भाई के पास लेकिन टाइम हो चुका है रात के 10:30 का खाना वगैरह खाकर हम अभी भी बाहर से आए हैं मैं और फिलहाल भाई और जबार भाई खाना खाकर तो टाइम हो चुका है 10:30 का तो आज की वीडियो जो है वो करते हैं यही पे ख़त्म वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसी के साथ रिहाशी को दीजिए इजाज़त दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़